नेगेटिव बैकलिंक, स्पैमिंग बैकलिंक्स या फिर ग्रे बैकलिंक, जिससे आपकी वेबसाइट की रैंकिंग में नेगेटिव इफेक्ट्स आता है। जी हाँ दोस्तों, यही डिस्कस करेंगे आज हम इस वीडियो में कि नेगेटिव बैकलिंक्स आप कैसे हटाएं। मैं सैयद रमीज, ब्लॉगर एंड डिजिटल मार्केटिंग कोच, आपको बताऊंगा कि नेगेटिव बैकलिंक्स आपकी वेबसाइट से क्या पॉजिटिव एंड क्या नेगेटिव हो सकता है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को देख रहे हैं फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर, सो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड पहले आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलते रहें। दोस्तों, इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था टॉप 10 हाई डीए बैकलिंक्स, और उससे पहले जो एक और वीडियो दिया था मैंने, डीए जिसका 93 एंड पेज रैंक 90 तक था, जो कि शॉर्टनर यूआरएल कहलाते थे। दोस्तों, आप बैकलिंक्स काफ़ी बना लेते हैं और बैकलिंक बनाने के अलावा भी आप सारी मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी आपकी वेबसाइट रैंक नहीं हो रही, आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक नहीं आ पा रहा है। सो उसका रीज़न एक ये भी हो सकता है कि आपकी वेबसाइट पर नेगेटिव बैकलिंक्स रहेंगे। तो दोस्तों, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसका है कि मोज टूल कैसे काम करता है, बेसिक है, मोज टूल पर क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, और एक सेमरश, ये दोनों ही टूल जो है आपको बताते हैं कि आपकी वेबसाइट पे कितना स्पैमी लिंक्स हैं और उस स्पैम का स्कोर क्या है। मैं रिकमेंड करूंगा कि ये दोनों वीडियो आप देख लीजिए, आपको थोड़ा आइडिया जाएगा और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन दोनों वीडियो का लिंक्स आपको मिल जाएगा, इन वीडियो को भी देख लीजिए और आइडेंटिफाई करिए कि किस तरह से आपकी वेबसाइट में स्पैमी लिंक हैं। सो यहाँ पर मैं आपको लाइव एग्जाम्पल करके भी दिखा रहा हूँ, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो वीडियो से देख लेना। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं हमारा वीडियो और हम ओपन कर देते हैं हमारा मोज टूल। मोज में लॉगिन कर लीजिए, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया, वेरी सिंपल है। यहाँ पर मोज लोकल है और फ्री एसईओ टूल्स है, तो हमें फ्री एसईओ टूल्स पर जाना है और लिंक एक्सप्लोरर पर क्लिक करना है। लिंक एक्सप्लोरर पर क्लिक करने के बाद आपको आपका डोमेन यहाँ पर डालना है। यहाँ पर मेरा डोमेन ले लेता हूँ मैं। डोमेन आप www, विदाउट www, जो भी आपका एक्चुअल डोमेन है वो आप डाल सकते हैं, http, https, विदाउट https। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं यहाँ पर उसने स्कैन कर लिया, मेरा डोमेन अथॉरिटी काफ़ी लो है, मीन्स ज़्यादा इंक्रीमेंट मैंने इस पर वर्क नहीं किया है और लिंक्स काफ़ी है, 2K लिंक्स है। तो आप देखेंगे राइट साइड में आपको मिलेगा स्पैम स्कोर, स्पैम स्कोर पे आपको क्लिक करना है और इसके पास इस वेबसाइट में मेरे जितने भी लिंक्स बैकलिंक्स क्रिएट हैं उसका स्पैम स्कोर क्या है, 82% जो है 1 to 30, जो कि काफ़ी अच्छा माना जाता है, और 31 to 60 जो एक एवरेज में ले सकते हैं, तो वो भी मेरे पास स्कोर्स हैं, और 61 to 100 मेरे पास 4% बैकलिंक है। ये बैकलिंक्स मैंने लास्ट वीक ही हटाए थे, फिर भी ये न्यू बैकलिंक्स बन जाते हैं, बनते रहते हैं। बहुत सारे लोग आपकी डोमेन्स को, आपकी साइट्स के कंटेंट को पब्लिश करते हैं और उसी से आपको बैकलिंक्स मिलते हैं, और ये बैकलिंक कैसे हटते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, वीडियो के साथ बने रहिए। ये गूगल सर्च कंसोल से हटते हैं, तो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, एक नंबर ऑफ बैकलिंक 60 to 70% जिसका वह रेशियो है वो है 2, और सेम 71 to 81 भी 2 है, और ये टोटल 6 बैकलिंक्स मेरे यहाँ पर दिखा रहा है जिसका स्पैम स्कोर 83 देखिए दिखा रहा है, जिसका डीए 18 है और ये वेबसाइट का नाम है। तो आपको क्या करना है, इसको कैसे सॉल्व करना है वो आप इस पूरे वीडियो में बने रहिए, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाता हूं। ये काफी बैकलिंक्स यहां पर बने हुए हैं, 53 53, ये आपको अप टू 50 डोमेन्स का दिखाएगा क्योंकि ये फ्री वर्जन है। देखिए यहां पर उन्होंने लिमिट लगा दी। यहां पर सबसे पहले आप आ जाइए, आप कर लीजिए यहां से ऑल सेलेक्ट, और ऑल सेलेक्ट करने के बाद कर दीजिए एक्सपोर्ट सीएसवी। ये मोज टूल ऑटोमेटिकली आपको एक सीएसवी फाइल में सारे बैकलिंक्स यहाँ पर दे देगा।
देखिए यहाँ पर ये CSV फाइल डाउनलोड हो गई। जैसे ये डाउनलोड हो जाती है, इसको हम कर लेते हैं ओपन। यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरह से उन्होंने पूरे लिंक्स इस कोर के साथ में जो दिखा रहे थे उनके साइट पे, वो पूरे यहाँ पर भी दिए हुए हैं। और इसी लिंक को हमें करना है कॉपी। इस तरह से आप सेलेक्ट कर लीजिए पूरे लिंक्स, और अप टू 50 तक, आप चाहिए तो 60 तक कर दीजिए, क्योंकि 53 जो बैकलिंक्स है, 51 टू 60, ये नॉर्मल बैकलिंक्स में आ जाता है, आप रख सकते हैं, या फिर चाहिए तो आप सबको भी निकाल दीजिए। सो यहाँ पर मैं करता हूँ, मैं आज सबको ही निकाल देता हूँ। ठीक है, मैं निकाल देता हूँ अप टू 53 तक के बैकलिंक्स मैंने सेलेक्ट किए हैं। 41 टू 50 तक मैं रखता हूँ इसको। ये चार बैकलिंक्स यहाँ पे मुझे शो करा रहा है। इस बैकलिंक को आप कर लीजिए कॉपी। कॉपी करने के बाद आपको करना है एक नोटपैड ओपन। और नोटपैड पे आप ये सारे बैकलिंक पेस्ट कर दीजिए। अब आप सोच रहे होंगे नोटपैड पे क्यों? क्योंकि हम इस फाइल को सेव करेंगे एज ए डिस्वॉप फाइल। डॉट टेक्स्ट, ये आप डिस्वॉप के नाम से सेव कर लीजिए। और सेव करने के बाद अब आप ओपन कर लीजिए आपका गूगल वेब मास्टर टूल। अभी गूगल वेब मास्टर टूल में आपको डिस्वॉल्व करने का कोई भी इन्होंने टूल्स यहाँ से डायरेक्टली नहीं दिया है, उस टूल को आपको फाइंड करना रहेगा डायरेक्टली इस यूआरएल से, जो कि यूआरएल है https://www.google.com webmasters/tools/diswav-link-main। ये लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ ताकि आप इजीली इस लिंक को ओपन कर सकें। और डिस्वॉव लिंक यहाँ पर दिया हुआ है, अगर आपके पास एक से ज़्यादा वेबसाइट है तो आपको स्क्रॉल करके देखना पड़ेगा। अगर आप एक ही वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं तो आपको डायरेक्टली वो साइट मिल जाएगी। सो साइट केयरफुली देखिए, और साइट को भी आप, मैं सजेस्ट करूँगा आप सारे वर्जन ऐड करिए, https://www.non-www. जैसा कि मैंने यहाँ पर किया हुआ है। सो मेरी साइट है https://www. और डिस्वॉव लिंक पे क्लिक कर दीजिए। अभी इस वीडियो में डिफरेंस क्या है कि मैंने ऑलरेडी लास्ट वीक में एक डिस्वॉप फाइल यहाँ पर ऐड की हुई थी, तो यहाँ पे मुझे एग्जिस्टिंग बताएगी। और आपके पास अगर एग्जिस्टिंग इससे पहले आपने कभी ऐड नहीं की है, तो आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप डिस्वॉप लिंक पे क्लिक करना है। सो देखिए, यहाँ पर मैंने 27 फेब को लास्ट वीक में एक डिस्वॉप फाइल दी थी, जिसमें 33 URL मैंने डिलीट किए थे। सो अगर आपके पास ऑलरेडी है फाइल तो वो फाइल यूज़ कर सकते हैं, और फाइल नहीं है तो आप उस फाइल को बना सकते हैं। देखिए, जो भी आप फाइल बनाएंगे वो इस नाम से बनाएंगे, डिस्वॉव डॉट टेक्स्ट। सो पहले मैं इस फाइल को डाउनलोड कर लेता हूँ। यहाँ पर ये मेरा ब्लॉक बता रहा है। सो अगर आपका पॉपअप ब्लॉक हो तो आप इसको अलाउ कर दीजिए और वापस से डाउनलोड पे क्लिक कर लीजिए। सो ये फाइल, डिस्वॉप फाइल ऑन हो जाएगी। ये भी मुझे जो दे रहा है वो एक्सेल फॉर्मेट में दे रहा है, CSV फॉर्मेट में। सो आपको CSV फॉर्मेट नहीं चाहिए रहेगा, आपको चाहिए रहेगा टेक्स्ट फॉर्मेट में भी। इन्होंने कुछ कंडीशन यहाँ पे CSV का ऐसा दिया नहीं है, बट जो फाइल है वो टेक्स्ट फॉर्मेट में फाइल है। सो अभी हम क्या करेंगे, आई थिंक जो मेरे फाइल का नाम था वो डिस्वॉप है, वो मैं चेक कर लेता हूँ। ओके, जो ये रॉन्ग है मैं इसको रीनेम सेव एज कर देता हूँ, डिस्वॉप डॉट टेक्स्ट। ये केयरफुली ध्यान दीजिए, डिस्वॉप डॉट टेक्स्ट, और इसको आप क्लोज कर दीजिए। और यहाँ से आप करिए चूज फाइल। जैसे ही आप चूज फाइल करेंगे, जो भी आपका फाइल लोकेशन है उस फाइल लोकेशन पर आप आ जाइए और उस फाइल को यहाँ से फाइंड कर लीजिए।
और यहाँ से सबमिट कर दीजिए। जैसे आप सबमिट करेंगे, एग्जिस्टिंग यूजर्स के लिए ये ओवरराइट का नोटिफिकेशन देगा, उसको ओके कर दीजिए। लास्ट मेरे यूआरएल 33 थे, जिसमें अभी मैंने काफ़ी कुछ ऐड किया है, तो अभी भी स्टिल ये 33 यूआरएल ही दिखा रहा है। उसका रीज़न जान लेते हैं क्या है। वेब फीड जो कि मैंने पिछले लास्ट वीक ही निकाले थे, वही 33 यूआरएल है, बट मोस्ट टूल मुझे अभी भी ऐसा दिखा रहा है। अच्छा, ये सब करने के बाद आपके पास चेंजेस क्या आएंगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सो यहाँ पर हमने दो चीज़ें देख ली हैं। हमारा फर्स्ट देखा कि हमारा स्पैमी लिंक कैसे आइडेंटिफाई करते हैं मोस्ट टूल के अंदर, वो आपको यहाँ से मोस्ट टूल पे से आना है। इसके बाद सारे यूआरएल को सिलेक्ट करके एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट करने के बाद आपको खोलना है डिस्वाव लिंक। डिस्वाव लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में से मुझे मिल जाएगा, मैं आपके लिए यहाँ पर लिंक छोड़ देता हूँ। एंड उसके बाद में आपको डिस्वाव करना है। उसके बाद क्या होगा, विद इन ए 1 वीक आपका ट्रैफिक स्टार्ट हो जाएगा, आपके कीवर्ड्स रैंकिंग होना शुरू हो जाएंगे और आपके जो चेंजेस है वेबसाइट के निगेटिव पॉइंट्स है वो रिमूव हो जाएंगे। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो, इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्यूरी हो, कुछ कंफ्यूजन हो, तो नीचे मुझे कमेंट्स में लिखना ना भूलें। और वीडियो अच्छा लगे तो डेफिनेटली उसको शेयर एंड लाइक करें, शेयर किया करो ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, गुड बाय।